नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं लास्ट वीक आपका काम अच्छा रहा होगा। बाईस दोस्तों, जिस भी भाई की कोई भी शेयरिंग है, कोई भी एक्सपीरियंस है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पढ़ाई कौन नहीं करी 10वीं बाद। हेलो, हमारे बीच रणवीर शर्मा जी हैं, लियाफी प्रेसिडेंट। नमस्कार सर, आज रणवीर जी और डॉक्टर बोलिया कुछ डिस्कशन कर रहे थे। सर, अब जो जो बिल्कुल चीजें आ रही हैं, डिस्कशन का मुद्दा तो रहेगा ही, और आज बिजनेस के लिए भी हमारे बीच अतुल जैन जी हैं। कहाँ कहाँ किसके बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही है, बिजनेस क्यों नहीं राइज हो रहा, कहाँ क्या कमियां हो रही हैं और क्या उन्होंने टारगेट लिया है, इसी सिलसिले में आज हमने अतुल जैन भाई से रिक्वेस्ट की थी कि लोगों का काम कैसे बढ़े। आप उनको, जो भी भाई अपनी शेयरिंग करना चाहता है, कोई तकलीफ है, किसी तरह का कोई है, तो अतुल भाई हमारे बीच हैं, आज उनकी हर बातों का जवाब देंगे। और हमारे साथ अशोक कालरा जी भी हैं। अशोक कालरा जी, बहुत बहुत नमस्कार। विकास जी, नमस्कार नमस्कार। भाई, नमस्कार भाई। कोई भी अपना डिजिटल हैंड रेज करे। पुनीत भाई, आप कुछ करेंगे शेयर? जी हाँ भैया, मतलब मैं शेयर करता हूँ। जी मैंने पिछले मंथ में लगभग 5 लाख का मेडिक्लेम का प्रीमियम करा मैंने। बहुत बहुत जैसे कि लाइफ का काम हो नहीं पा रहा है, तो हम देखते हैं प्रीमियम बेसिस पे काम नहीं करते, मैं काम करते कमीशन बेसिस पे, कितने बिल्कुल पैसे हमें अर्न हुए। जैसे कि मेरी LIC की 2/3 MDRT हुई है, जब जी नहीं हो पा रहा था फोकस करा मेडिक्लेम पे, उस पर लगभग एक MDRT कर ली मैंने, इतने बहुत बहुत पैसे लेके बहुत अब तक। ग्रेट। ठीक है, थैंक यू। और कोई भाई? अरे आज आज तो कैमरा ऑन कर लो यार, आज इतने बड़े स्पीकर हमारे बीच है और आपको कुछ देने आए हैं, उसके बाद भी हम अगर कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो फिर हमें कुछ चाहिए ही नहीं क्या? किसी भी भाई की कोई शेयरिंग नहीं है क्या? मार्केट नहीं जा रहे हैं क्या हम? संजीव पुरी जी, आज आप भी कुछ नहीं बोल रहे? सर आज कोई शेयरिंग नहीं है सर। मीटिंग पे काम कर रहा हूँ, डिनर मिस करने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा सर। मेरा ना आप लोग भाइयों से एक सलाह चाहिए। जैसे कि हमने कोई प्री मेच्योर करा, टेस्ट सब कुछ हो गए, लास्ट बिल्कुल मोमेंट पे आके पैसा रह गया, मतलब उसको कैसे हैंडल करते हैं? जी, पहले तो हम अतुल भाई का विधिवत स्वागत करते हैं, अतुल भाई को आमंत्रित करते हैं। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार, आपको सभी जानते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज हम चाहेंगे कि मैक्सिमम टाइम आप सबको दें। अतुल जी की आज बोले तो एफपीआरटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अतुल जी हैं तो एफपीआरटी है, मैं तो आज ये बोलूंगा। ये कहीं भी होते हैं, इंडिया में होते हैं, इंडिया से बाहर होते हैं, हमेशा इनको एफपीआरटी की चिंता रहती है। एक से एक धुरंधर स्पीकर लाते हैं, सब काम बढ़िया से हो रहे हैं और सबका काम अच्छा हो रहा है। उसके बाद भी हम अतुल जी को कैमरे में शक्ल नहीं दिखाना चाहते अपनी। क्या हो गया ऐसा? गुड अतुल भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुनील भाई। आज का जो सेशन है वो स्पेशली बेसिकली इंटरेक्शन सेशन है। यदि हम लोग देखो, मेरे पास जो आप लोगों से डिस्कशन करने का जो मुद्दा है वो ये है कि हम लोगों का यदि हमारा काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, यदि हम मार्केट में नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे। और जैसे अभी मैं डिस्कशन सुन रहा था कि कुछ LICs में जो चेंजेस आए हैं, क्लॉबैक का वो है, वो एक बड़ा बदलाव है। लेकिन क्लॉबैक जो है वो अभी मेरे ख्याल से अभी 1 अक्टूबर के बाद आया है। लेकिन हम लोगों का यदि ओवरऑल मैं अपना रिव्यू कर रहा था, मतलब मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मेरे को बोलने का मौका मिलता है, तो ओवरऑल मैं लोगों के अंदर जो एक पॉजिटिव वाइब थी वो अब थोड़ी सी कम दिख रही है। तो मुझे लगा कि ये एक टाइम है जब हमें अपनी बात को डिस्कशन करने का टाइम है कि क्या ऐसा रीजन है जो लोग काम नहीं कर पा रहे, काम हो नहीं पा रहा। तो मेरा जो आज का जो एजेंडा था बेसिकली ये देखने का था कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर के, क्योंकि मैंने ये देखा है जब हम अपने दिल की कोई भड़ास होती है निकाल लेते हैं ना, तो फिर वो असल में होता है क्या है कि हम चीज को लेके अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो अंदर ही रह जाती है और वो फिर उसमें क्या होता है परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है।
तो मैं आप सभी मैं मेरा मैंने जैसे कल एक वीडियो भी डाला था कि मैं ये चाह रहा हूं कि कोई अपने 8-10 लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करें और वो अपना, क्योंकि हमने एक मुझे याद है अच्छे तरीके से, एक सेशन हमने ओपन हाउस जनवरी में रखा था, एक ओपन हाउस हमने अप्रैल मई में रखा था, जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस दिसंबर तक, इस मार्च तक का क्या 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 हमने अपने टारगेट्स लिए हैं। तो मैं ये चाहूंगा यदि आप हम लोग यदि अपने हमने जो जनवरी में टारगेट्स लिए थे या सोचा था कि हम यहाँ पहुंचेंगे दिसंबर तक, या हमने अप्रैल में कोई ऐसा डिसीजन लिया था कि जिसमें हमने सोचा था कि भाई हम इस बार गैलेक्सी क्वालिफाई करेंगे, कॉर्पोरेट क्वालिफाई करेंगे, एलीट क्वालिफाई करेंगे, या जो भी जो सीएम क्लब क्वालिफाई करेंगे, जेडम क्लब, जो भी जिसने जो टारगेट्स लिया था उसमें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि हम वहां पे पहुंच गए तो उससे अच्छी तो बात ही नहीं, फिर तो आप लोगों की शेयरिंग वैसी होनी चाहिए, जो आदमी अपना टारगेट ले और वो अचीव कर ले, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती लाइफ में, ठीक है, उसकी तो शेयरिंग वैसे बनती है। और बाय चांस हम लोग जैसे जहां पे हम पहुंचे थे वहां जो हमने सोचा था वहां पे नहीं पहुंच पाए, तो उसका क्या रीजन रहा, क्या किस किस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका एक बार यदि हमारे को थोड़ा सा ब्रीफिंग मिलेगा तो हम लोग और बेटर तरीके से कोशिश कर पाएंगे कि हम एक स्टेप आगे लेके जाएं सब लोगों को। ये मेरी तरफ से था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अभी पुनीत जैन ने एक बात बोली थी कि भाई उनका जो टारगेट था वो ये नहीं था कि भाई क्या करना है, उनका बेसिकली रेवेन्यू टारगेट था, और मेरे हिसाब से हम सब लोग प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनली सब लोग हम एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, और बेसिकली हमें टारगेट्स भी कुछ ऐसे ही रखने हैं कि लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू जा रहा था तो उससे हमें ऊपर लेके जाना है, ठीक है, ये भी टारगेट होना चाहिए, ठीक है। सीओटी, एमबीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब, गैलेक्सी क्लब या एलीट क्लब, ये सब चीजें तो साथ साथ हैं। यदि हमने अपने टारगेट के ऊपर फोकस किया तो कहीं हो सकता है कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में टीओटी ना कर पाए, बट हो सकता है कि टीओटी के बराबर का अमाउंट हम जनरल इंश्योरेंस में कमा लें, ठीक है, वो भी तो टीओटी है, मतलब वो हो सकता है कि वो हम एमडीआरटी के प्लेटफॉर्म पे उसको रिकॉग्नाइज ना कर पाए, हो सकता है कि वैसे यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर करेंगे तो उसका वो उसमें अकाउंट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये दोनों चीजें काउंट होती है एमडीआरटी सीओटी टीओटी में, ठीक है, उसका बेनिफिट मैंने बहुत सारी बार लिया है। जब मैं पिछले 5 सालों से यदि टीओटी हूँ तो उसमें से 4 साल मेरे 4 साल मैंने उसके मेडिक्लेम की हेल्प लेकर के टीओटी की थी, और इस लास्ट ईयर ही ओनली मेरा बस अभी एलआईसी से टीओटी हुआ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग अपने जिन जिन लोगों के पास जिन्होंने अपने टारगेट्स लिए थे और वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, तो उसमें वो अपना नाम, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। देखो यदि आप ऐसा हमने हमेशा देखा है कि जब जब लोगों ने अपनी अपनी क्वेरीज रखी हैं, जब जब उन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, उन लोगों का भी फायदा हुआ है, उस ग्रुप का भी फायदा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अपनी क्या क्या रीजन है, क्यों नहीं काम हो पा रहा। अभी अभी संजीव पुरी जी ने बोला कि भाई मैं अभी सिर्फ मीटिंग्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मीटिंग्स बनाने में काम कर रहा हूँ, और बाकी अभी, लेकिन हम संजीव पुरी जी के पास फिर जाएंगे, पहले 2 डिजिटल हैंड रेज हैं उनके पास भी जाएंगे, तैयार रहना संजीव जी, आज छोड़ेंगे नहीं आपको, ठीक है। और पहला पहला हाथ हम ये मिस्टर साहू हैं, नबीना साहू, नमस्ते हाँ सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर। नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली लास्ट ईयर थोड़ा तबीयत इश्यू था, इसी वजह से मेरा 5 लाख पेंडिंग है के लिए, 5 लाख मतलब कमीशन पेंडिंग है सर या प्रीमियम पेंडिंग है? प्रीमियम प्रीमियम पेंडिंग। सर प्रीमियम तो 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता ना सर, हाँ तो अभी तो हमारे पास मतलब इस ये आज का जो आज का ये जो रखने का जो टॉपिक रखने का जो आज रीजन भी यही था कि अभी हमारे हाथ में बहुत अच्छे से 7-8 हफ्ते के करीब हमारे हाथ में है, ठीक है ना, 8 वीक्स हमारे हाथ में है, तो हमें उस तरीके से अपने आप को अपने काम को करना है जिससे कि हम 8 वीक में जो हमारे बैलेंस टारगेट्स हैं हम उसको अचीव कर पाए, ठीक है। और आपको क्या, अब सेहत, आपकी तबीयत ठीक है, थोड़ी बेटर है क्या? हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, तो आप उसमें यदि आपने कुछ अच्छे से कुछ करना है तो उसमें यही है कि आपको क्योंकि अभी प्लान्स में अब एक चीज जरूर इस 1 अक्टूबर के बाद एक चेंज और भी आया है, वो ये चेंज आया है कि हम 1 अक्टूबर से पहले की कोई पॉलिसी हम लॉक नहीं करा पाएंगे। अब हमारे पास जो अभी तक हम क्या था, बर्थडे प्लान करते थे या किसी को, जैसे बहुत सारे हमारे एडवाइजर, एलआईसी के एडवाइजर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते थे कि मार्च में भी अप्रैल से बैक डेटिंग करके मतलब उसको मेच्योरिटी 1 साल पहले दिखा देते थे और 1 साल पहले हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि हम ये जो नए प्लान्स आए हैं वो आए ही 1 अक्टूबर से हैं तो उसमें बैक डेटेड प्रोविजंस नहीं है। तो आप लोग, आपसे सबसे, आप भी जितने भी लोग आज ये सेशन सुन रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि
1 अक्टूबर से लेकर के आप अपना एक कैलेंडर बनाना शुरू कर दीजिए। दो चीजों पे काम जरूर कर लीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो। एक तो ये चीज करिए कि 1 अप्रैल से लेकर के आप 1 अक्टूबर से लेकर के जिन जिन लोगों के बर्थडे आ रहे हैं 1 अक्टूबर से लेकर के उस पे फोकस करना चाहिए। स्पेशली बच्चों के बर्थडे पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। अच्छी बात यह कि जीवन उमंग जो पहले 25 साल से या से कम की 30 साल से, मतलब यदि 0 ईयर के बच्चे को 30 साल पे मिलती थी, शायद अब ये 18 साल की एज पे भी अवेलेबल हो गई है। तो ये एक बड़ी हमारे हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमेशा यही होता था कि 18 साल मतलब 30 साल तक कोई कोई पेरेंट्स यदि फादर मान लिया उसको 40 साल का, तो वो कहता था यार मैं 30 साल की पॉलिसी लूंगा, 35 साल का या 40 साल का जो फादर होता था उसको थोड़ी सी तकलीफ होती थी ये सोचने में कि भाई अगले 30 साल तक मैं ड्रीम दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो ये एक अच्छी अचीवमेंट हुई है इस चेंजेस के अंदर। ये भी बेसिकली हम लोगों के सजेशन, जब जब हमें मौका मिलता है हमारी जो हमारे पास लियाफे की टीम हमारे साथ रहती है या हम लोग उनके साथ रहते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम अच्छे सजेशन मैनेजमेंट को पहुंचाते हैं और मैनेजमेंट भी कोशिश ये करती है कि जो एजेंट्स लॉबी के थ्रू चीजें आगे जाती है तो वो उसके ऊपर कंसीडर करती है, उसी को ही आगे फॉलो होता है, वो ही जो इन लोगों जो लियाफी के लोगों की मेहनत है वो ही हम लोगों के साथ काम आती है और वो लोग हम लोगों के लिए, जैसे हम FPRT बिना किसी स्वार्थ के चला रहे हैं ऐसे ही लियाफी का भी कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग भी एजेंट्स फेडरेशन के लिए काम करते हैं और एजेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हम लोगों को वी शुड बी फॉर्चुनेट कि भाई हम लोग हम सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस कर पाते हैं बट वो हम सब लोगों के लिए फोकस करते हैं। और मैं देखता हूँ, मैं मेरे पास कुछ कोर्स रणबीर शर्मा जी की आती रहती हैं या विकास भारद्वाज जी बहुत सारी चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं, मैं इन लोगों को सैल्यूट भी करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि ये लोग इतना टाइम, आप समझिएगा कि हम लोगों के पास टाइम की कितनी कमी है, हम लोग सब लोग ओवर ऑक्यूपाइड रहते हैं और ये लोग वो लोग हैं जो हम लोगों के हद हित के लिए बहुत कितने कितने कभी किसी मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कभी किसी LIC के डिग्निटीज से मिल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के, वी आर फॉर्चुनेट कि ये लोग हमारे साथ हैं तो हम लोगों के वेलफेयर तो होना ही होना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो थोड़ा बहुत प्रीमियम शॉट है उसके लिए आपके पास ये है कि एक चीज आपके पास ये फोकस करने जैसी है, सभी लोग सुन लीजिए, ये खाली इनका क्वेश्चन मतलब आंसर मैं इनके क्वेश्चन को दे रहा हूँ बट शायद शायद काम सब लोगों के आ सकता है। दूसरी चीज ये है कि इस 1 अक्टूबर से एक जो बड़ा चेंज आया है वो ये भी आया है कि 50 साल के बाद की हमारे पास पॉलिसीज अवेलेबल नहीं है, तो अब हमारे को अपने डेटाबेस को खंगालना है कि हमारे पास कौन ऐसे लोग हैं जो 45 से 50 साल के बीच में जा रहे हैं, ठीक है, या 40 से 50 साल के बीच में जा रहे हैं। उन लोगों को हमें ये समझाना है कि सर आज हम आपको 21 साल की 25 साल की पॉलिसी दे सकते हैं लेकिन यदि आप आज ले लेंगे तो आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी, यदि आप नहीं लेंगे तो फिर आप 50 साल जिनकी एज हो जाएगी तो उनको फिर आगे मौका नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज लेने के लिए। हमें अपने काम को शांतिपूर्वक तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है और अपने जो हमारे हक की बात है उसमें भी हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि आज यदि कोई आज अभी भी मैनेजमेंट ये बोल रही है शायद कि भाई ये नहीं होगा बट एक सर्कुलर इशू हो जाएगा तो सब लोगों के लिए एक वो एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और शेयरिंग देता हूँ। आज इस सर्कुलर की एक अच्छी बात बताता हूँ कि मैंने अभी आप लोगों को मालूम है शायद हम लोग अगस्त में कुछ फ्रेंड्स MDRT की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए दुबई गए थे, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए दुबई गए थे। तो जब दुबई से आने के बाद एक मेरे पास सर्कुलर था जनवरी 2020 का, उसके बेसिस पे हमने अपने रियम्बर्समेंट के क्लेम्स डाल दिए दुबई जाने आने का, जो एक हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस MDR जो कॉर्पोरेट क्लब के बेनिफिट्स थे, जो TOT के बेनिफिट्स थे, जो मेरी $1,150 की जो फीस थी, ये सब चीजें बेनिफिट्स के मैंने उसमें अपने लाइफ इंश्योरेंस अपने LIC ऑफिस में डाल दिया और उन्होंने उनको डिविजन में भेज दिया। डिविजन ने उसका सिर्फ $1,150 या $1,100 का पेमेंट बना करके मेल बना करके भेज दिया और साथ में ये बोल दिया कि अगस्त 2020 में एक सर्कुलर आया था उसके बेसिस पे सिर्फ आपको यही मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ आपकी जो एलिजिबिलिटी है सिर्फ ये बनती है। वो सर्कुलर उन्होंने मेरे को शेयर कर दिया बिकॉज, तो मैं उस सर्कुलर को जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ आ गया था, मुझे ये आ गया था ये सर्कुलर फॉर द टाइम बीइंग था बिकॉज 2020-21 में MDRT की वर्ल्ड वाइड कहीं कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई क्योंकि कोविड के चक्कर में सारा पूरा पूरा वर्ल्ड बंद था तो कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, वो सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों ने अटेंड किया था उस लोगों के लिए वो था प्रोसेस था।
तो मुझे ये मालूम था क्योंकि मैनेजर सेल्स डीओ टू के मेरे को अच्छे से जानते हैं, वो हमारे मेरे ऑफिस के ब्रांच मैनेजर रहे हैं, हमारे मेरी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला सर कोई बात नहीं, आपने भेज दिया कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको आई विल शेयर यू द अनदर सर्कुलर जो ये कहेगा कि जो हमने अप्लाई किया बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बट आई राइट नाउ आई डोंट हैव दैट सर्कुलर बिकॉज मैंने जनवरी 20 का लगा रखा, तो उन्होंने अगस्त 20 का मुझे सर्कुलर दे दिया। तो मैं फिर वहां पे अपने आप को मतलब प्रूव नहीं, मतलब उनकी उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद का यदि कोई सर्कुलर है तो मैं आपको जरूर समझ मतलब फिर जरूर मैं कंसिडर करूंगा। तो मैंने अपने कॉर्पोरेट क्लब ग्रुप में वो ये रिक्वेस्ट डाली, लेकिन उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मुझे सक्सेस नहीं मिला। लेकिन मेरे एक मित्र हैं हमारे FPRT पे, यहाँ पे कई बार उन्होंने स्पीच भी दिया है, मेरे हरीश अरोड़ा जी, वो कंटिन्यूस कॉर्पोरेट क्लब मेंबर, TOD मल्टीपल TODs हैं। तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा अतुल जी बिल्कुल 100% एक सर्कुलर है और मैं आपको ढूंढ के दूंगा वो सर्कुलर। और उन्होंने मुझे परसों शाम रात को मतलब पता नहीं 11 बजे 12 बजे किसी टाइम पे भेजा वो सर्कुलर रात को ढूंढ करके, और उसके बाद मैंने वो LIC में भेजा तो उन्होंने उसको रीचेक किया, और रीचेक करने के बाद ये बोला हाँ यस जो आप बोल रहे हैं सही है आपको वो बेनिफिट्स, हम इसको एक बार डिस्कस, उन्होंने फिर जेडो में भी डिस्कस करा, बहुत सारी चीजें हुई। अभी तक पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए बट मुझे लगता है कि वो पैसे आ जाएंगे। तो जो बात आज रणवीर सर जी ने बात कर रहे थे जब हमारा सेशन शुरू नहीं हो रहा था, या कुलदीप बोलिया सर जो बात कर रहे थे, वो बात अपने आप में एक बहुत रेलिवेंट है। यदि वो क्लॉबैक नहीं है तो फिर आप उसको एक सर्कुलर दे दीजिए, तो सर्कुलर होगा तो हम सब एजेंट्स के लिए सब लोगों की लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी उसमें कोई। और जब हम लोग जब हम LIC का पार्ट है, हम लोग LIC के साथ जुड़े हुए हैं, तो सब लोग ये नेचुरली ये सब चाहेंगे कि हमें बेसिकली सब लोगों को मिलकर के अपनी संस्था का काम बढ़ाना है, और हमें अपना सबका अपना काम बढ़ाना है, हमें अपने जो टारगेट्स लिए हैं उसको आगे लेके जाना है। तो मैं सब लोगों से दो चीजों पे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, काम अच्छे से बढ़ा करके करें। 1 अक्टूबर के बाद से जिन लोगों के बर्थडे आए हैं, बच्चों के बर्थडे स्पेशली, आप नोटिस करके उस पर फोकस करिए। 771-16 जो प्लान है वो आप यदि किसी को 20 लाख रुपए का प्लान ऑफर करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए 10,200 रुपए महीने का एक प्रीमियम आता है, जिसमें उस बच्चे के बर्थडे पे या वाइफ के बर्थडे पे जिसका भी आप बर्थडे प्लान बनाना चाहते हैं उसको 2 लाख रुपए, 2-3 साल का जो प्रीमियम हॉलीडे है उसके बाद उसको 18-19 साल के बाद उसमें पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, वो गारंटेड है, उसमें सब चीजें A to Z सब चीजें गारंटेड है। ये बहुत अच्छी चीज है, वो ये प्लान हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है, तो अब है इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और मेरे हिसाब से जहां तक मैं अपने अभी तक सर्कुलर समझ पाया हूँ या दे पाया हूँ, शायद यही एक ऐसा प्लान है जिसमें कमीशन भी चेंज नहीं हुआ, जो प्रीमियम कमीशन हमारे को 31 30 सितंबर से पहले था, 1 अक्टूबर से पहले जो कमीशन इस पॉलिसी पे आता था, एग्जैक्टली सेम कमीशन हमारे को इस पॉलिसी पे आगे भी मिल रहा है। दिस इज द ओनली प्लान जिसके ऊपर कमीशन रेट चेंज नहीं हुए, बाकी शायद सभी पॉलिसीज पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुए हैं, वो उसमें डेफरमेंट हुआ है बेसिकली, यदि कमीशन कम किया गया तो आगे बढ़ा दिया गया उतना कमीशन, ऐसा करा है ये। मैं इतना सब चीजों के कमीशन स्ट्रक्चर को मुझे जो समझ आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से था, ये दो चीजों पे आप यदि फोकस करेंगे तो सब लोगों का कुछ अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट शेयरिंग जो प्रदीप कुमार जी ने डिजिटल हैंड रेज करके, हम उनसे बात करना चाहेंगे। थैंक यू सर। प्रदीप जी अनम्यूट करो। नमस्कार सर, नमस्ते नमस्ते, पूरी FPRT टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी वरिष्ठ साथियों को नमस्कार, धन्यवाद सभी का, जो सबसे प्रेरणा मिलती है सर। सर मैंने जनवरी में अतुल जैन से बात की थी सर, 100 पॉलिसी का कमिटमेंट किया था सर, 57 तो हो गई सर, नहीं तो 10 12 15 पॉलिसी पे ही जो है हाथ पैर टिक जाते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हर हफ्ते जुड़ता हूँ, कभी कभी मिस हो जाता है, तो वहां से आपसे बहुत प्रेरणा मिल रही है और चार्ज हो जाता हूँ 1 हफ्ते के लिए। लेकिन पिछले 1.5 महीने से जो है काम नहीं हो पाया, कुछ पारिवारिक इशू रहा है, कुछ हेल्थ इशू रहा है, तो नहीं कर पाया, तो 57 पॉलिसी वैसे अभी तक हो चुकी हैं। आप अभी से बहुत अच्छी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जो 10, देखो मैं डिक्लेरेशन के अंदर क्या पावर है आप ये समझ के चलिए, डिक्लेरेशन के अंदर कितनी बड़ी पावर है कि जो इंसान 8 10 12 15 पॉलिसी पे रुक जाता था वो आज अपने टारगेट से 4 गुना आगे तो आ ही चुका ना, 4 गुना, जी फोर जी टाइम्स तो आगे बढ़ गया ना लाइफ में। तो मैं अभी भी आज भी अभी भी हमारे पास बहुत अच्छे मतलब टोटल मिला के 50 से ऊपर डेज हैं हम लोगों के पास, वी आर फॉर्चुनेट अभी 50 डेज से ऊपर हैं हमारे पास। आज भी यदि आप कोई प्रण लेंगे ना, आज भी ये डिसाइड करेंगे कि मुझे अब इतने अगले 50 दिनों के अंदर ये करना है, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमने जो अभी तक किया है उससे बहुत ज्यादा इन 50 दिनों में हम कर पाएंगे।
ठीक है, तो आप अपने साथ डिसीजन लीजिए कि मुझे करना क्या है। पहले पहला ये डिसीजन लीजिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं, और उसके बाद उसकी एक स्ट्रेटजी बनाइए। पिछले हफ्ते हमने आर गोपीनाथ सर को, ये देखो आप लोगों का, ये आप लोगों का प्यार था कि हम आर गोपीनाथ सर, देखो ये मेरी, मैं आर गोपीनाथ सर के साथ पिछले कभी करीब 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और जब, और 6 साल से तो करीब हमने एफपीआरटी बनाए हुए भी हो गया हमारे को, और ये 6 साल की, मैं, आपको लग रहा है कि गोपीनाथ सर आज सहज अवेलेबल हो गया एफपीआरटी के चलते, ये 6 साल की मेहनत थी हमारी। हम 6 साल से ये एफर्ट कर रहे थे, किस दिन हम गोपीनाथ सर को इस प्लेटफॉर्म पे ले ला पाए, और देखो आप लोगों के प्यार की वजह से हम लास्ट वीक उनको लेके आए। उन्होंने भी क्या बातें की, उन्होंने भी यही कहा ना कि काम पे फोकस करो, आप अपना कोई डिसीजन लो, 3 3 मीटिंग्स और नो डिनर, ये सब, ये आपको, ये मैं मेरा ये मानना है कि जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल तो नहीं रहना पड़ेगा, कंफर्टेबल में है तभी हम लोग काम नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा तो नहीं इनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल जब हो सकते हो, जब आपके पास अंबानी सर जितनी का पैसा हो, अंबानी साहब जितना पैसा हो तो आप कंफर्टेबल। और आप देखो सर, अंबानी सर भी आज के दिन अपने आप को कंफर्टेबल नहीं है, वो आज फिर अपनी वेल्थ को बढ़ाने में लगे हुए, जब उतने, और सब आप समझना, सब यदि हम 300 ग्राम 400 ग्राम एक टाइम की डाइट होती है ना, तो सभी लोगों की ऑलमोस्ट इतनी ही होती होगी, किसी की 50 100 ग्राम ज्यादा होती होगी, किसी की 50 100 ग्राम कम होती होगी, राइट, मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा कोई इंसान होगा जो दिन में 16 बार खाना खाता होगा, खाना, जब भोजन भी सब लोग 2 3 बार ही, 2 बार 3 बार, 1 बार ब्रेकफास्ट और 2 बार लंच और डिनर मिला करके टोटल में 3 3 टाइम्स ही मील लेते हैं, सबकी सबकी जो फिजिकल नीड्स है वो ऑलमोस्ट सेम सेम सी है, लेकिन ये जज्बा है उनके अंदर कि आज उन्होंने, आज आप देखो, मैं कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहा था, हमारे भारत की ग्रोथ के अंदर उनका एक बहुत बड़ा रोल है, तो ये कितनी बड़ी, यदि वो इतने इतने समृद्ध होने के बाद भी आज भी काम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज आ गई जो हम काम से दूर हो गए। और आज मैंने ये सेशन रखा है, तो आज भी डीजे, आज आप लोगों के लिए हमने ये सेशन रखा है, और मुझे थोड़ा सा बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि लोग आज भी डिजिटल हैंड रेज नहीं कर रहे, और फिर बाद में जब कभी फोन आता है कि सर काम नहीं हो रहा, भाई काम नहीं हो रहा तो एक प्लेटफॉर्म पे बनाया था ना ये सेशन आप लोगों के लिए, 1 घंटा मैंने एक 1 आवर इसी स्पेशल इसी पर्पस के लिए रखा था ना कि आप लोग बताइए हम कैसे डिस्कशन करेंगे, 1 टू 1 में आप मुझे फोन करते रहेंगे तो मेरे लिए मुश्किल है ना सर काम बात करना आप लोगों से, आप कितने कितने लोगों से हम कितनी बात कर पाएंगे। आप यदि आज ये सेशन रखा गया है, तो मैं तो सोच रहा था, देखो ये मेरी हो सकता है सोच में ही कोई कमी रही होगी जो आज यहाँ पे लोगों के डिजिटल हैंड ही नहीं उठ पा रहे, ठीक है ना, मैं तो ये सोच रहा था आज इतने सारे लोगों के डिजिटल हैंड रेज होंगे, आज हम इस सेशन को पूरा मतलब कैसे कर पाएंगे, मतलब हमारे को सेशन 2 पार्ट 2 लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हाथ ही नहीं खड़ा कर पा रहे कोई, और फिर 1 टू 1 पे फोन करके बोलते हैं सर काम नहीं हो रहा। उस अगली शेयरिंग के लिए मैं तो आप जो अभी क्या रणवीर जी थे ना, लास्ट क्वेश्चन किसने पूछा था, प्रदीप जी ने, प्रदीप प्रदीप जी मैं आपसे पहली बात तो आपको ये इस बात की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आपने 57 पॉलिसीज कर ली हैं, और मैं आपको ये आश्वासन भी दे रहा हूँ साथ साथ कि आप की जो सेहत में जो रहा या पारिवारिक समस्या रही, अब उसको आप अपने दिमाग में ये सोचो कि अब मेरी सेहत बिंदास है, ठीक है, और मेरी मेरे पास कोई समस्या नहीं है, अब मेरे पास एक ही काम है, मेरे पास मुझे अपने अगले 50 दिनों में मुझे 50 पॉलिसीज करनी है, ठीक है, ये आपको टारगेट लेना है अपने से, और आप यकीन मानना आप जनवरी के फर्स्ट वीक में जब हमारा ये सेशन होगा, आप ये वहां पे डिक्लेयर करेंगे कि मैंने 112 पॉलिसीज करनी है, ठीक है, ये मेरा आपका मुझे आपके साथ फोन दियो वादा, अपना। थैंक यू सर, थैंक ठीक यू, है, हाँ, आपने 100 पॉलिसी नहीं करी, 112 पॉलिसीज करी है, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, आप अपनी धन्यवाद। सारी चीजों को साइड में रख करके आप इसके ऊपर फोकस कीजिए, आपका सारा काम होगा, ये मेरा आपको एश्योरेंस है। अब नेक्स्ट, धन्यवाद सर अभी हौसला बढ़ाने के लिए। तुम थैंक यू सो मच, आप अपने आप को म्यूट कर मार लीजिए, दोगे एक ना सब लोगों, ये कहाँ से एक कोई वॉइस कंटिन्यूज आ रही है, उनको बोलो कि प्लीज, उससे क्या होता है पूरा पूरा ये डिस्टरबेंस होता है, जिस हम मेमेंटो में बात कर रहे होते हैं वो मेमेंटो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। हाँ, मैं अगली शेयरिंग पे, रुपेश कुमार जी का शायद स्पीकर ऑन है। रुपेश कुमार जी, आपसे रुपे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने स्पीकर को कर ऑफ दिया कर मैंने, कॉल दीजिए। रहा कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, अब हम नेक्स्ट शेयरिंग के लिए हम नवीन कुमार, नवीन जैन जी के पास जाएंगे। भैया जय जी, नमस्कार। जय जैन भैया, जय जैन, थैंक यू फॉर एफपीआरटी। आपने इस मंथ पे इतना बड़ा इंसेंटिव लिया है और हमारे को सिखाने के लिए है, लेकिन मेरा जो काम है इस साल बिल्कुल जीरो रहा है बिल्कुल। और मुझे समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, किधर वे जाना है, बिल्कुल मतलब समझ से बाहर है कहानी के, क्या करना है।
बिल्कुल जीरो इस साल। नवीन भाई, मतलब ये हमारा काम जीरो है। इसके लिए हमारी संस्था रिस्पॉन्सिबल है या हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो ये समझना पड़ेगा भाई। देखो जी चेंजेस, यदि देखो चेंजेस 1 अक्टूबर से आए हैं। 1 अक्टूबर के बाद यदि कोई आदमी कहता है कि भाई अभी मैं काम नहीं कर रहा, मुझे जब तक मेरा मेरे ये कोई ये सब चीजों की क्लियरिटी नहीं आएगी, तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को सही मान सकता हूँ कि ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन क्या जब 31, यदि आप हम जनवरी से बात कर रहे हैं, और मैं सिर्फ ये मतलब इस प्लेटफॉर्म से सब ये बात मैं नवीन जी से कर रहा हूँ, आप समझना ये सब लोगों के लिए बात हो रही है। यदि हमारा काम नहीं अच्छा हो रहा, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हमने अपने काम करने के तरीके में कौन क्या नया एडिशन किया है, ये बस मैं पूछना चाहता हूँ सब लोगों से कि भाई यदि हमने कुछ अपने काम करने के तरीके में, देखो आप ये समझ के चलो कि हम आज भी एक पुश प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हमारे को ही सामने से पिच करना पड़ता है। अभी ये सिचुएशन नहीं है कि भाई लोग हमारे सामने आकर के बोले सर एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दो, अभी ऐसा सिनेरियो नहीं आया। कभी कभी आता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब प्लान्स बंद हुई है तो सामने से बहुत 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 लोगों की क्वेरी सामने से आई है। 2007 का मनी प्लस मुझे याद है कि कैसे लोगों ने प्रपोजल फॉर्म भी 100-100 रुपए में खरीद लिए थे, कि लोगों को प्रपोजल फॉर्म LIC के अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। ऐसा टाइम बहुत रेयर टू रेयर होता है, ऐसा टाइम हमेशा बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब रेगुलर नहीं होता। बट मैं सिर्फ आपसे नवीन भाई, मैं आपसे ये जानना चाह जा रहा हूँ कि हमारा काम, यदि मान लिया सपोज हम लोग पहले इस बात को मैं पहले इस प्लेटफॉर्म पे या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे पहले भी बोल चुका हूँ, जब हम एजेंसी लेते हैं ना, अभी इस बात को जिन लोगों ने नहीं सुना तो उन लोगों के लिए अच्छी एक नई ओपनिंग भी होगी, और ये सब लोगों के लिए रिवाइज भी होगा। ये जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी सी चीज है। जब हम अपनी एजेंसी लेते हैं तो हमें ना पूरी दुनिया अपनी क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट दिखता है। जब हम एजेंसी लेते हैं तो पूरी दुनिया हमारे को, जो हमारी 150 करोड़ की, पौने 200 करोड़ की जनता, हमारे को अपना प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट दिखता है, हमारे को प्रोस्पेक्ट दिखता है। लेकिन जब हम एजेंसी के अंदर 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल निकाल देते हैं और हम 300, 400, 500, 1,000 लोगों को सर्व करते हैं, तो हमारी दुनिया उनके ऊपर जाके रुक जाती है। हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब नहीं करना, हम कहते हैं मार्केट खराब है। हमने अपनी मार्केट को 700, 800, 600, 500 लोगों पे जाके रोक दिया है। दोस्त मेरा अपने आप लोगों से, सभी से निवेदन है, यदि आज हमारे पास काम नहीं हो रहा, यदि आज हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ काम नहीं निकाल पा रहे, तो हमें अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी, हमें यदि कोल्ड कॉलिंग पे जाना पड़े तो वो करना पड़ेगा, हमें यदि स्टॉल लगाना पड़े तो हमें स्टॉल लगाना पड़ेगा, हमें नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़े तो वो ज्वाइन करनी पड़ेगी, हमें अपने कॉलोनी के अंदर एक्टिव होना पड़े करना पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा, हमें ब्लड डोनेशन कैंप बनाना पड़ेगा, तो कोई तो हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई तो नई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यदि हम सोचें कि गन्ना का रस, गन्ने गन्ने को मशीन में डाला और हम उसमें उम्मीद करें कि संतरे का जूस निकलेगा, तो भाई मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अभी ऐसा जादू देखा नहीं है। जिसने गन्ने को डाला है तो गन्ने का रस निकला है, संतरे को डाला है तो संतरे का रस निकला है, आम डाला है तो आम का रस निकला है। तो ये सिचुएशन है, जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसी से ही रिजल्ट्स निकलते हैं। मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि हमारे पास इस टाइम पे काम का, हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ काम नहीं कर पा रहे, तो हमें कुछ ना कुछ प्लान भी बनाना पड़ेगा, सभी लोगों को बनाना पड़ेगा। उसमें मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी अपना प्लान भी बनाया है, मैं भी इस चैलेंज को ले रहा हूँ। जनवरी से, जनवरी में जो मैंने टारगेट लिया था, मैं भी उसको अचीव नहीं कर पा रहा था, और 5-6 महीने जब मुझे मेरे निकल गए, 4-5 महीने निकल गए, और मुझे लगा कि मैं अभी अपने अपने उस काम के अंदर उतना उतना प्रोसेस में, उतना मेरे पास जनरल का काम है वो मेरे पास रिजनेबली। अभी यदि मैं रिवेन्यू की बात करूं, मैं आप लोगों को फिर दोबारा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, रिवेन्यू के बेसिस पे हम आज भी एट पार होंगे लास्ट ईयर से, ठीक है। हमारा रिवेन्यू कम नहीं हुआ, क्योंकि यदि हमें लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा सा काम कम आया है, तो जनरल में उस हिसाब से हमने मोटर के अंदर हमारा प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, नॉन मोटर के अंदर हमारा प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, हेल्थ के अंदर हमारा थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, तो हमें दूसरे वर्टिकल्स के अंदर काम आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का रेवेन्यू लूज नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग सिर्फ LIC कर रहे हैं और उनका LIC में काम नहीं आ रहा, तो उनका नेचुरली उनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उनके पास रेवे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी टीम मेंटेन करके करते हैं, स्टाफ है जिनके पास, बहुत बड़ा टीम है, तो उन लोगों को ओवरहेड्स मेंटेन करने में भी तकलीफ आती है, क्योंकि हमारे पास टीम बड़ी है, सब कुछ है, उसके बाद भी हम अब
अपनी टीम को हमने डाउनलोड किया, अपसेल क्रॉस सेल के लिए बात की, आज हमने पूरे कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई है जिसमें मुझे पता है कि भाई उन स्ट्रेटेजीज से हम अपने 31 मार्च 2025 को जो हमने अपने जो टारगेट्स हैं हम पूरे कर पाएंगे, ठीक है। तो हम उसके ऊपर स्ट्रेटेजी के आज हम 6 महीने पहले से लग गए कि हमें भी तो हमारे भी डैमेजेस हैं नवीन भाई, हमें भी लाइफ इंश्योरेंस में उतना काम इस बार नहीं मिल पाया जितना काम हमने पहले पहले पिछले साल में किया है। हमने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से जिंदगी में पहली बार टीओटी करी थी, आज हमारी भी सिर्फ 1.5 पौने 2 MDRTs हुई है, ठीक है। हमारे लिए भी डैमेजेस है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन हमने प्लान भी बनाना शुरू कर दिया था और आज से बनाना शुरू नहीं करा, 3-4 महीने पहले से शुरू कर दिया। तो दोस्त मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमें अपने काम को, यदि हमारे पास आज मार्केट के थोड़े से चैलेंजेस हैं, मार्केट के चैलेंजेस मैं इसको कम कहूंगा, हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग के चैलेंजेस है मैं ये कहूंगा, तो हमारे को कोई ऐसा प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा जिसमें चाहे बेशक हम उसमें सर्विस कैंप बना लगा लें कि भाई लोगों के पास कोई सर्विस का काम है, भाई जिन लोगों ने जिनकी पॉलिसी, या हमारे पास LIC से कुछ लिस्ट निकलती है जिन्होंने जिसमें एजेंट्स नहीं होते और जो उसमें उनकी लोगों की मेच्योरिटीज हैं, या कोई हमारे पास ऐसी पॉलिसी है जो फोरक्लोज हुई हुई है उसकी मेच्योरिटी आ रही है, तो उस जब हमारे पास काम नहीं है तो कोई प्रोसेस तो शुरू करो रवीर भाई, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये खाली खाली ये सोच करके ही काम नहीं मिल रहा, तो ये हम लोगों के लिए, हम लोग इस मतलब अभी हमारे पास भगवान का बहुत आशीर्वाद है। मैं आज आपको एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी इंदौर VIDV के एक प्लेटफॉर्म पे इंदौर गया था, तो हमारे पास एक मेरे पास एक कानपुर के मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है सुनील मंगल जी, ठीक है। वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो उनको सिंस बर्थ पोलियो है और उनको चलने में, मैं उनके साथ 3 दिन रहा, ठीक है, और वापसी में भी चांस की बात थी, जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे हैदराबाद जाना था और उनको वापस दिल्ली आना था, तो हम लोग दोनों इकट्ठे आए, मैं उनके साथ रहा और मैंने उनकी ना जो जो एक फिजिकल प्रॉब्लम होने के बाद कितना बड़ा चैलेंज होता है ना, मैंने उनको देखा कि कितना भगवान ने हम लोगों को बिल्कुल 100% 100% परफेक्ट बनाया है, उसके बाद भी हमारे पास चैलेंजेस हैं काम के अंदर यार। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको आज सैल्यूट करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि उन्होंने, उनके इतने चैलेंजेस होने के बाद वो वहां पे आए, उन्होंने वहां पे स्पीच भी दी अपनी, अपने अपने सक्सेस स्टोरी भी बताई, वो काम कर रहे हैं आज भी, काम कर रहे हैं आज भी, मीटिंग्स करते हैं, तो हम लोगों के पास तो भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही है यार। हम लोगों को काम करने में कौन सी तकलीफ, कौन सी ऐसी पावर है जो हमारे को काम करने से रोक रही है, मुझे सिर्फ इतना सा थोड़ा सा आइडिया तो दो यार प्लीज। आपने सही कहा कि प्रोस्पेक्टिंग का जो है मेन बात तो वही कि प्रोस्पेक्टिंग का दायरा और अपनी प्लान भी रख के लेके चलना पड़ेगा। हाँ प्लान भी देखो सर, आप ये समझ के चलो कि हम यदि कुछ ऐसी चीज बेच रहे होते ना, हम आईफोन बेच रहे होते कि भाई 15 आते 16 आते ही लाइन लग गई है ना, है तो फिर तो बात लगती ना, या हम इस, या अपने आप को इस लेवल पे बनाएं कि भाई हम एक मैसेज डालें और हमारे ऑफिस के बाहर लाइन लग जाए कि भाई जेनवन से मैसेज आ गया, सब लोग कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो उतनी ब्रांडिंग तो बनानी पड़ेगी ना भाई, जेनवन को उस लाइन लेवल पे तो लेके जाना पड़ेगा ना कि जेनवन से मैसेज का मतलब होगा कुछ, है जी ना। बिल्कुल तो सही है। हमें हमें पहले अपने उस प्रोसेस को तो करना पड़ेगा, या हमारे पास भरत भाई पारिक जैसे 40-50 हजार क्लाइंट हो तो हम उसी में से रोटेशन में निकालेंगे तो 1000 पॉलिसी साल की निकालने में कम तकलीफ होगी, ठीक है ना। अभी हमारे पास क्लाइंट 500 क्लाइंट है, किसी के पास 700 होंगे, किसी को 1000 होंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, घूम फिर करके हम वहां जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो क्लाइंट्स हमें काम नहीं देते, आज हमारे पास यदि डेढ़ दो मेरे पास 1.5 पौने 2 MDRT हुई है, उनमें से काफी बड़ा शेयर उन्हीं लोगों का ही है जिन लोगों ने मेरे जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, क्योंकि नया क्लाइंट तो हमारे पास बहुत रेयर टू रेयर आ रहा है, ठीक है ना। अब हमने प्लान भी शुरू करी है तो उसमें डेफिनेटली हमारे पास अगले दिनों में आएंगे क्लाइंट्स, क्योंकि हमने नेटवर्किंग पे काम करना शुरू करा है, कुछ कुछ जगह पे ज्वाइन किया है, तो उससे हमें काम आएगा, फॉर श्योर आएगा, आने वाले टाइम में जरूर आएगा। लेकिन आज जो हमें, हमने 4 महीने पहले जो प्लान भी बनाई है तो उसका हमारे को उसका इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन उसको करना तो पड़ेगा ना, हमारे को प्लान भी तो हमें ही बनाना पड़ेगा ना। जी जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो हाँ मच, थैंक आप यू। प्लीज इसको अपने अपने काम काम पे फोकस करो, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर नए तरीके ढूंढो, यदि हमारे पास काम नहीं है तो सिर्फ कंपनियों के आगे बाहर जाकर के एक फॉर्म बनवा करके सिर्फ रिटायरमेंट की बात करनी शुरू कर दो यदि आपके पास टाइम है तो, ठीक है ना। आप ठीक है भाई, जो नोएडा के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ सिर्फ लंच के टाइम पे वो यंगस्टर्स बाहर आते हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछो रिटायरमेंट आपके पास, सर आपको रिटायरमेंट पे आपको पेंशन
मिलेगी जब आप जॉब छोड़ देंगे, पेंशन मिलेगी? सिर्फ इतना पूछो हाँ या ना। यदि और दूसरा क्वेश्चन पूछो कि ये वो कहेंगे नेचुरली सब लोग मना ही करेंगे क्योंकि पेंशन का कोई प्रोविजन ही नहीं है प्राइवेट कंपनियों के अंदर, तो उनसे पूछना कि आप चाहते हैं कि आपको पेंशन मिले, वो पूछेंगे हाँ या ना बस। और तीसरा आप अपना उनका मेल नंबर और मेल आईडी और एक कॉन्टेक्ट नंबर ले आइए, उसके बाद शांति से डाटा इकट्ठा करके बात करिए जो करना ठीक है भैया, ठीक है ना। है भैया, कोई कोई थैंक यू तो भैया। प्रोसेस, तीन दो तीन चार चार प्रोसेस है, सिर्फ इतना सा काम करना है। पूछो सरकारी पेंशन मिलेगी क्या आपको, बस खत्म बात। हमने क्या करना है, हमने तो जीवन उत्सव पे काम कर देना है ना, उसके ऊपर सरकारी पेंशन है, वो गारंटेड पेंशन है, जो हिलाने वाला कोई नहीं उसके अंदर, जी भैया, जी भैया, ठीक है थैंक यू ना। सो मच, तो थैंक यू, हमें ठीक कुछ है। ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा, प्लान भी तो बनाना पड़ेगा दोस्त, सब लोगों को बनाना पड़ेगा। मैं अब अगली शेयरिंग के लिए मैं सुमन सुमन कुमार को कहता हूँ कि अनम्यूट कीजिए अपने आपको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सर। सर काम तो लगभग ठीक ठाक हो गया है, एमबीआरटी कंप्लीट हो गया है इस साल, 127 पॉलिसी भी हो चुका है इस वित्तीय वर्ष। लेकिन सर हेजिटेशन होता है काम करने में, जैसे बड़े लोगों से नहीं मिल पाते हैं, जो पैसे वाले लोग, उनसे जाने में हेजिटेशन होता है, वो सर कैसे पूरा होगा? यार हेजिटेशन आपको किस बात का होना है? यदि बाय चांस आप किसी बड़े आदमी के पास जा रहे हैं और उसको आपने गलती से 50 लाख रुपए साल का प्रीमियम प्रपोज कर दिया, तो देना तो उसने है, आपको क्या हेजिटेशन होना है? हेजिटेशन तो वो करेगा कि भाई 50 लाख रुपए का प्रीमियम कैसे बोल दिया तुमने, ठीक है ना। आपको हेजिटेशन लेने की जरूरत क्या है? देखो आपने प्रीमियम को प्रपोज करना है, आपका काम सिर्फ प्रीमियम प्रपोज करने का है, ठीक है। यदि और बात ये भी हो सकता है कि वो गलती से हाँ कर दे और वहीं पे बेहोश हो जाओ, नहीं ऐसा भी नहीं हो ऐसा सकता नहीं सर, सर है, ठीक है। जाते तो टाइम सर हेजिटेशन होता है, मतलब जा करके मतलब बात कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, ये इसी बात में जी देखो, सर। आपको बात सिर्फ यही करनी है कि जैसे यदि देखो 50 लाख 10 लाख 20 लाख प्रीमियम में आपको बिजनेसमैन देगा, बिजनेसमैन के लिए जी बात करो सर। आप अपने अपने बिजनेस के लिए आप बिजनेसमैन भी आप हो और बिजनेस भी आप हो, ठीक है। किसी भी आदमी से आप बिजनेसमैन से बात करोगे तो ही इज द की मैन ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसको बोलो कि सर आप जब तक कमा रहे हो पैसा आ रहा है, ठीक है, जब आपको आपका ये बिजनेस आगे जब नेक्स्ट आपके बच्चे इसको टेक ओवर करेंगे तो आपको कोई पैसे नहीं देंगे उसको टेक ओवर करने के लिए। विजय पाल सिंघानिया की स्टोरी सबको पता सुना दोगे, रेमंड्स के जो मालिक हैं, ठीक है ना। आप अपने जी बच्चों को सर, जो पॉलिसी जो अपने बच्चों को जब ये बिजनेस को हैंडओवर करोगे, वो आप उससे आपका वो फाइनेंशियल डील नहीं होगा। आज आप डिसीजन ले रहे हो, आज से पहले आपके पापा डिसीजन लेते थे, आज आप डिसीजन ले रहे हो, आज के एक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका बेटा डिसीजन लेगा या आपकी बेटी डिसीजन लेगी। तो मेरा आपने उनसे ये कहना है सर मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने लिए और मैडम के लिए कम से कम इतना प्रोविजन कर लीजिए कि जब आपके बच्चे डिसीजन लें तो फाइनेंशियल में आपके जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं ना, जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके पास गारंटेड जिंदगी भर आती रहे, जिसमें आपको किसी भी बच्चे से बात करने की जरूरत ना रहे। वो काम आप सब अपने अर्निंग स्पैन में कर सकते हैं, जब आप डिसीजन मेकर हैं जब कर सकते हैं। आज आप डिसीजन मेकर हैं, आज आपको ये डिसीजन लेना है, यदि आप आज डिसीजन ले लेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, सर हाँ ठीक है ना। और जी, अब हाँ उसके बाद यदि ये प्रपोजल हाँ होता है, उसके बाद मेडिकल भी उन्होंने कराना है, ब्लड भी उन्होंने ही देना है, ट्रेडमिल टेस्ट पे भी भागना उन्होंने ही है, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ आपको सिर्फ प्रोसेस कराना है, एलआईसी के ऑफिस में भेजना है एलआईसी। अच्छा अच्छी बात क्या है कि हमें क्या करना है, यहाँ से प्रोसेस कराना है, अब तो सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमने अपना केस तैयार करके भेजा, अपने आप वो डिवीजन में स्कैन करते हैं, स्कैन करके वो अपने आप मेल टू मेल आगे जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ प्रपोज ही तो करना है, बड़े बड़े लोगों से मिल करके उनको उनको प्लान भी देनी है, जैसे हम आज प्लान भी अपनी बना रहे हैं, प्लान भी उनके लिए बनानी है। सिर्फ आप 100 लोगों से बात करोगे, 10 लोग 20 लोग 5 लोग 7 लोग कोई तो सुनेंगे आपकी बात, सर है ना। तो हमारे को प्लान बी के ऊपर काम करना है मेरे ख्याल से, सब लोगों को। और आप यकीन मानना बड़ा प्रपोजल आप अपने तरफ से कभी आप अपने आपको कभी भी मतलब ये मत सोचो कि भाई हमें कुछ करना है। देखिए 31 मार्च 2023 में जब 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम टैक्सेबल होने की बात हो रही थी, मैं इतने सालों से 25 सालों से ऑलमोस्ट 24 साल तो जब भी हो गए थे मेरे पास, मैं 24 साल से काम कर रहा था, मैंने आज तक इतना बड़ा प्रपोज ही नहीं करा था प्रीमियम। मैंने एक ही फैमिली से 1 करोड़ के करीब का रेगुलर प्रीमियम लिया है, आप इमेजिन करो ना। यदि हमने किया क्या, उनको सिर्फ ये समझाया कि भाई ये प्लान आपको बच्चों के लिए ये गारंटेड प्लान मिल रहा है आपको, आज आज आपके पास ऑप्शन है, टैक्स फ्री मिल रहा है। आज आप दूसरी बात करो कि सर आज आपको ये ऑप्शन है गारंटेड मिल रहा है, 1010D के अंदर मिल रहा है, 1010D मालूम है ना, जो टैक्स फ्री इनकम मिलती है, जी ठीक सर,
ठीक है ना, 5 लाख तक तो टेंट ही मिल रहा है ना। दूसरी बात जो बड़ी चीज है, जो उत्सव के अंदर और उमंग के अंदर जो बड़ी चीज है, वो आज लोगों को, जितने लोगों को समझा सकते हो समझा दो, ये गारंटेड प्रोडक्ट जिंदगी भर मिलने वाले नहीं है, आप समझ लेना, ये गारंटेड प्रोडक्ट जिंदगी भर मिलने वाले नहीं है। आज मिल रहे हैं सर, लॉक कर लो, जितने का करना है कर लो, 5 लाख का करना है, 50 लाख का करना है, 50 करोड़ का करना है, जितने का करना है कर लो। यदि आज आपने लॉक कर दिया ना, देखो आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और अगले 3 4 साल के अंदर अंदर हम 4th हो जाएंगे, और अगले 10 साल के अंदर अंदर हम 3rd हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारी अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, आप समझना जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट 0 हो जाता है, ठीक है, जापान के अंदर -रेट होता था, ठीक है, आप समझो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे गारंटेड प्रोडक्ट्स विड्रॉ होंगे, क्योंकि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इस पैसे को कहीं तो लगाना है, तभी तो वो दे पाएगी। जब बैंक के अंदर आपको 2% पे इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा होगा, और आपकी आपकी LIC की पॉलिसी की जो यील्ड आ रही है 6% की आएगी, तो LIC आगे उसे कैसे मेंटेन कर पाएगी। तो जैसे जैसे आगे चेंजेस आ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, तो लोगों को आगे आने वाले टाइम में, आप समझो हम लोगों को, सब लोगों को जीवन उत्सव और जीवन उमंग के ऊपर इतना काम करना चाहिए, इतना काम करना चाहिए कि हम लोगों को रिटायर, आप समझना रिटायरमेंट के का प्रोविजन किसी के पास नहीं है, रिटायरमेंट का प्रोविजन। और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये है कि अब सरकारी नौकरियों में भी अब रिटायरमेंट नहीं रही, पहले पेंशन बैलेंस मिलती थी, अब सरकारी सरकारी नौकरियों में भी रिटायरमेंट तो है लेकिन पेंशन प्लान नहीं है, जी जी अब इस टाइम पे पेंशन प्लान नहीं है किसी भी सरकारी नौकरी में। तो मैं आप हम लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस दो प्लान के ऊपर बहुत अच्छे से एग्रेसिवली काम करें, और यदि हम एग्रेसिवली काम करेंगे तो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब नेक्स्ट शेयरिंग ले लो सर, तो नेक्स्ट शेयरिंग के लिए पुनीत हम जैन ले लो सर, पुनीत जैन काफी देर से वेट कर रहे हैं सर। पुनीत जैन तो 1 to 1 में बहुत करता है यार, हमने पुनीत जैन तो 1 to 1 नहीं में इतना कोई बात आज नहीं, है, आपने उसको बहुत वो पीछे कर दिया, ले लो सर। ले लो, चलो पुनीत जैन को ले। नमस्ते अतुल भैया। नमस्ते। भैया मेरा एक क्वेश्चन आपसे, मतलब क्वेश्चन है आपसे, सजेशन चाहिए आपसे। जब किसी सुपरजेनिक क्लास क्लाइंट के पास जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, बड़े हल्के में लेता है, क्या करें भैया? तो डंबल लेके जाएगा, डंबल 10 किलो का एक हाथ में, 10 लेके दो हाथ, 20 किलो तो बढ़ जाएगा तुम्हारा भाई। पता है हल्के में क्यों लेता है? हम ना जाते ही पता क्या करते हैं, हम जाते ना उससे क्या बात करते हैं, पॉलिसी ले लो। हमने आपने बैठ के उससे उसके उसके फाइनेंशियल गोल्स पूछा है, उससे पूछा भाई तू जिंदगी में क्या चाहता है, वो आप समझना आज के दिन लोगों को सबसे बड़ी तकलीफ पता क्या है, कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो चाह क्या रहा है जिंदगी के अंदर। हर आदमी के, आप किसी भी क्लाइंट से मिलो, उससे पूछो कि सर आपका लाइफ गोल क्या है, अब उसे पूछो तो सही, सर आपको जिंदगी में क्या करना है, आपको क्या अचीव करना है, आपको रिटायरमेंट कैसे बितानी है, आपको ओल्ड एज कैसे करना है। हम क्या कहते हैं, सर ये प्लान बंद हो जाएगी, सर ये हो रहा है, तो यार वो फिर आपको हल्के में तो लेगा, ये कैसे एक लेगा ही बात भाई। तब करेंगे ना जब अगला वाला इतना कंफर्टेबल देगा। जनरली हमारी मीटिंग ऐसी होती नहीं है, घंटा 2 घंटे लग जाते हैं मीटिंग मीटिंग में। एक सेकंड दूंगा सर, एक सेकंड ना, चलिए एसी की सीधी हवा आ रही थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको एसी को ऊपर कराया। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। होता क्या ना, बड़े क्लाइंट के आगे ना इतना कंफर्टेबल मिलता नहीं है, 5 मिनट का टाइम है, बात करो खत्म करो। तो 5 मिनट में आप अपनी पिच को इस तरीके से तैयार करो, 5 मिनट में। गोपीनाथ सर ने हमारे को इतनी बहुत सारी चीजें समझाई है ना, कि 5 मिनट में उसको लीगेसी प्लानिंग की बात कर लो, उसको MWP की एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार कर लो जिससे कि उसको समझ उसको आप 2 मिनट में ही समझा दो कि भाई सर आपको क्यों, आपको प्लान बी आपके लिए क्यों जुड़ता है, क्या जब मतलब आप बिजनेसमैन हो सर, आपका बहुत कुछ लोन पे अवेलेबल, लोन पे चल रहा है, यदि कल को कोई बात होती है, 19-21 होती है, तो सर सारी एसेट्स तो मर्ज हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, आपको कोई तो कुछ ऐसी बात हो आपको, या आप अपना एक मेलर डालो पहले कि मेरा एजेंडा मिलने का ये है, आप उस मेलर को इतना अट्रैक्टिव करके बताओ भेजो ना, जब आप मेलर में ये मत भेजना कि 3 पेज का मेलर हो वो पढ़ेगा ही नहीं, आप सिर्फ उसको इतना ऐसा मेलर भेजो जो उसको अट्रैक्ट करे कि भाई कैसे मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, संजीव जी ने लिखा है क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, आप उसको ऐसा एक मेलर भेजो जिससे उसको आपका आपसे मिलने का टाइम मिले, आपको टाइम दे मिलने के लिए। थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से हमारे सब लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज्यादा जरूरत है, यदि हम अपने को अच्छे से कर लेंगे ना, कोई किसी के अंदर ताकत नहीं है हमारे को कोई हल्के में ले ले यार, आप समझ लेना, क्योंकि हम अपने काम को
हम अपने हम क्या है, टारगेट तो ले लेते हैं, टारगेट की स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करते। और उसके बाद अच्छा क्या होता, कई भगवान भी हमारे पर बहुत मेहरबान है, कई बार हम बिना स्ट्रेटेजी के काम करते हैं तब भी हमारे टारगेट पूरे जाते हैं, तो हमें लगता है ये प्रोसेस है, हर बार भगवान हमारा साथ देगा। भाई भगवान हमारे को साथ देगा 10 साल में एक बार, 5 साल में एक बार। वो पता है वो भी क्यों देगा, कि वो देख रहा है 5 साल से ये बंदा लगा हुआ है अपने काम को, ईमानदारी से कर रहा है, तब वो 5 साल में कहता है चल बतास्तु, ठीक है। और हम हर साल जाते हैं उससे, हर महीने जाते हैं, हर मीटिंग में जाते हैं ये बात कि भाई एक सुपर एच एन आई है 1000 करोड़ का, हम जाके बैठे, उसने कहा ले भाई चेक। अरे पुनीत यार तू तो आता ही नहीं, इतना बड़ा आदमी हो यार तू, मैं तो तेरे से मिलने के लिए बड़ा, ये लिख जो तेरा तेरे से अमाउंट लिखा जाए लिख ले, बस जो तेरे को समझ आए दे दे। ऐसा नहीं होता भाई, अभी हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे ना जिसमें इतनी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। भैया, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे एक है कि मैंने ना एक आपसे डिस्कस भी किया था, एनआरआई मेरा क्लाइंट था, 50 लाख का प्रीमियम फाइनेंस हुआ, टेस्ट सब कुछ हो गए, पैसे भेजने थे, फिर बाद में कंसेप्ट आ गया कि टैक्सेबल हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा, तो ये केस रह गया। इस तरह की नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हो भैया? नहीं उसमें क्या है कि उसमें केस रहा नहीं अभी भी। पहली बात तो मैं आज जिस दिन से आपने मेरे इस केस बारे में बात करा ना, मैंने आपको हमेशा ये कहा, और आप देखो पता क्या होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ऐसा है जो आप बोलोगे वो होगा, ठीक है। आप डे वन से मेरे से ये बोल रहे केस रह गया, और मैं कह रहा हूँ कि केस प्रोसेस में है, ये हमारी कंटिन्यूस डिबेट चल रही है इस चीज के ऊपर। राइट आप हमेशा कह रहे हो केस रह गया, मैं हमेशा कह रहा हूँ ये केस प्रोसेस में, ये केस होगा। मेरा केस नहीं है, ये केस आपका है, लेकिन मुझे इतना फर्म बिलीव है ये केस आपका लॉक होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन आपने ये मान लिया कि ये रह गया, आपको नेगेटिव, आपने उससे बात करनी है, मिलना है, या जैसे भी हो, जब भी आएगा वो दोबारा भी तो आएगा, कोई ऐसा थोड़ी ना, जब आएगा उसके बाद करना। सर देखो आप यदि अभी टैक्सेबल और टैक्सेबल, आपको ये बताना है, जब आज हमने डिस्कशन करा है ना कि आने वाले टाइम के अंदर आपको गारंटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही नहीं, आपको आपको पैसा 3% में मिलेगा, आपकी रिटर्न 6% की होगी, 6% में से आपने मान लिया आपका आप टॉप स्लैब पे हो, आप 35% की स्लैब पे हो, आपको 4% भी गारंटेड मिलेगा ना, 4% भी गारंटेड मिलेगा। मान लिया सपोज आपको मिलता है तो 4% भी, तो दो जिस जिस पैसे को जिस पे आपको पैसा मिलेगा, जो आपको पैसा मिलेगा उस पर डिफरेंस है, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, वो सारा 4% तो आपका टैक्स फ्री हो गया ना, आप ये तो बोल सकते हो ना टैक्स फ्री 4% हो गया आपके पास। तो सर चार शेयरिंग हो रहे हैं हमारे पास, थोड़ा सा देखो। ठीक है, जब नेक्स्ट शेयरिंग के लिए ले लीजिए जिसको आपको समझ आए। हाँ, विठल जी अनम्यूट करके अपने आप को बात करें। और जी गुड मॉर्निंग सर, गुड जी मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि मुझे सर फॉलोअप में बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे से फॉलोअप सर प्रॉपर नहीं हो रहा है। और सेकेंड क्वेश्चन था कि हमारे पास यहाँ पुणे में खरड़े में आईटी कंपनी बहुत सारा है, बहुत सारा क्राउड दिखता है सर मुझे बाहर डेली जाते आते टाइम में, बट मैं उनको टेबल एक्टिविटी कैसा करना है उसके ऊपर थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था सर। देखो विठल जी, आपको सिर्फ एक ही बात करना है, जब आपके पास आप अकेले वन मैन आर्मी है या आपके पास टीम है, नहीं सिंगल मैन सर, सिंगल मैन। तो एक तो पहले यदि हो सके तो एक अपने पास एक अपना एक असिस्टेंट रखिए, जो काम वो चेक ला सकता है, ब्रांच में जाके जमा करा सकता है, ऐसा काम करने के लिए वो रखिए। और आप अपना टाइम को ऐसा रखिए कि आप जो आपकी कंपनीज है ना, प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी आपके आईटी कंपनीज है, उन कंपनी में जाइए, उन कंपनियों में जा करके उनमें वहां पे लंच आवर्स में लोग बाहर निकलते हैं, सिगरेट स्मोकिंग के लिए निकलते हैं, लंच के बाद वॉक के लिए निकलते हैं, ठीक है। उनसे मिलिए कि उनसे सिर्फ इतनी सी बात करनी है पेंशन बनाने के बाद। आप ये समझना, हम लोग आज जो लोग अभी 50 या 40 45 से ऊपर के लोग हैं, जितने भी आज हमारे हम लोग हैं, ये अभिषेक राम गोयल भी कह रहे हैं मैं 40 से ऊपर का हूँ, मैं लगता नहीं थे तो मुझे आज लग रहा है कि अब उन्होंने बता रहे हैं तो समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हमारे पास जितने भी 40 45 की एज के लोग हैं ना, हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि हम लोग 60 साल तक शायद काम करेंगे, लेकिन जो आज 25 साल का जो 25 साल का यंग है ना, आप यकीन मानना, लिख लेना मेरे से, वो 45 साल पे रिटायर होगा, 50 साल पे रिटायर होगा। उन लोगों को हम लोगों की जिम्मेवारी और बनती है, आज हम यंगेस्ट इंडिया है तो ओल्डेस्ट इंडिया भी हमें ही बनना है। आज हिंदुस्तान यंगेस्ट वर्ल्ड के अंदर, यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, तो आप ये समझना कि ओल्डेस्ट पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर ही होगी आज से 30 साल के बाद, आप समझ के चलना ये बात। तो मैं सब लोगों से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें यंगस्टर्स के साथ ज्यादा काम करना है। ये जरूर हो सकता है यंगस्टर्स को 6% की रिटर्न उनको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लेकिन यदि आप उनको रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे, यदि आपको कंसिस्टेंसी सेविंग के हिसाब से उनको समझाएंगे,
यदि आप उनको ये कहेंगे कि सर ये एक डिसिप्लिन सेविंग है, इसमें कर लेंगे तो पैसे रुक जाएंगे, बाकी आपके पास रिटर्न्स आपको ज्यादा लग रही है आएगी, बट अभी तक हमने अपने प्रोफेशन में इतने साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि रिटर्न लोगों पर ज्यादा आती नहीं है, दिखती ज्यादा है, ठीक है, लगता जरूर है कि ज्यादा है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने 2-3-4 साल पैसे जमा करे हैं, जिनके पास विड्रॉल के ऑप्शन है। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम हर साल सोना खरीद लेंगे, बहुत सारे लोग कहते थे कि हमारे पास पीपीएफ सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, पीपीएफ के अंदर गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रही है, मेजरली अच्छी रिटर्न रही है, लेकिन आप उसका भी यदि आप डाटा निकालेंगे ना, उसमें भी लोगों ने, सभी लोगों ने पूरे पूरे पैसे जमा नहीं कराए, उसमें भी 5-7-10% ही लोग हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है। और मैं हर प्लेटफॉर्म पे जब मुझे मौका मिलता है मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि मेरे पास हम लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में हम लाइफ इंश्योरेंस के साथ काम करते हैं, और हमारा अपना ये अनुभव है, यदि हमने किसी को 25 साल की पॉलिसी दी है तो उसने 25 साल तक ही प्रीमियम दिया है, हमने 21 साल की पॉलिसी दी है तो 21 साल तक ही प्रीमियम दिया है, तो हमारे ये जो डिसिप्लिन है ना, ये पूरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में किसी दूसरी इंस्ट्रूमेंट में है ही नहीं, ये सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो आप लोगों को, सब लोगों को ये समझना चाहिए, हमें आगे लोगों को कन्वे करना चाहिए कि हमें इसके ऊपर काम इसलिए करना है क्योंकि रिटायरमेंट के ऊपर काम बहुत जरूरी है। आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 में से 1 बात करेगा, आप 0 से ऊपर पहुंच जाओगे सर, आप एफर्ट्स तो करो, जो काम आप अपना बहुत सारा काम आप खुद करते हो ना, आप थोड़ा सा काम चेक उठाने का, LIC के अंदर काम कराने का, LIC में केस पास कराने का, एक बच्चा रखो अपने पास, आप समझो 15, आप पुणे में 15,000 रुपए में एक अच्छा बच्चा आपको मिल जाएगा जिसके पास टू व्हीलर भी होगा, जो आपको आपके आपके सा, काफी सारे काम कर पाएगा, तो आप अपने नए प्रोस्पेक्टिंग पे काम करो, वो काम आप, मेरा मैंने आज से 14 साल पहले अपना ऑफिस बनाया, 13 साल पहले अपना ऑफिस बनाया था, और इस माइंडसेट से बनाया था, जो काम मेरा स्टाफ कर लेगा वो मुझे नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत ना, आज मैं कोई भी सर्विसिंग का काम नहीं करता, सिर्फ क्लेम्स के अंदर जो जहां पे चीजें फंसती हैं, 99% चीजें मेरी टीम करती है, 1% में मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं उसमें आता हूँ बीच में। थैंक यू सर। आप नेक्स्ट शेयरिंग ले लें सर। थैंक यू, हाँ जी बिल्कुल लीजिए। ललित नारंग जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और एक सेकंड भाई, संजीव पुरी को जरूर लेंगे, उनको तो मैंने छेड़ा था, हाँ ठीक है, लेंगे सर, हाँ लेंगे हाँ उनको भी लेंगे, उनको भी हाँ इसके बाद। ठीक है, हाँ नारंग जी नमस्ते। नमस्कार सर। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन भी है। पुनीत जी ने एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन किया था कि HNI के सामने जब हम बैठते हैं तो हम मतलब क्या बोले कि हमारी एक वैल्यू बढ़ जाए। तो इसके लिए मैं मतलब हम सबको मालूम ही है, मैं एक बार फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली देखा जाए वी आर वेरी वेरी पावरफुल। जिस इंडस्ट्री में हम हैं हम बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हम कैसे, अगर आप HNI के पास बैठे, सपोज उसने 100 करोड़ का या 70-80 करोड़ का एसेट क्रिएट किया है, वो सपोज वो 45-50 साल का है, आप उसको बोल सकते हैं सर जितना आपने एसेट क्रिएट किया है पिछले 25-30 साल में, वो मैं अगले 25 मिनट में क्रिएट कर सकता हूँ। अगर हम उसको एक रिस्क कवर दे देते हैं मान लो 50 करोड़ का, क्योंकि कोई भी HNI है उसको भी पता है कि वो पूरे 100% तो कंज्यूम करेगा नहीं, वो आगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाएगा। मे बी वो 90% छोड़ के जाता है, 60% छोड़ के जाता है। हम उनको ये बोल सकते हैं कि आपने जितने भी एसेट्स क्रिएट किए हैं आप वो सारा का सारा भी कंज्यूम कर लो, आप पूरा इंजॉय करो, सारा कंज्यूम कर लो। आपके जितने एसेट्स क्रिएटेड है वो मैं 1 मिनट में दोबारा से हम उसको टर्म इंश्योरेंस देके, जिसका 1.5-2% कॉस्ट आता है, 100 करोड़ का एसेट हम तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा पावरफुल कोई बंदा हो नहीं सकता जो किसी HNI को ये चैलेंज कर रहा है कि पिछले 30 साल में इतनी मेहनत करके जो आपने एसेट क्रिएट किया वो मैं अगले 30 मिनट में क्रिएट करने की काबिलियत रखता हूँ। तो फिर हम उसको लॉजिक समझा सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, टर्म इंश्योरेंस की क्या कॉस्टिंग वगैरह आएगी। अगर सपोज 2%, 1.5-2% कॉस्टिंग आती है, उसमें भी अगर वो बिजनेस ओनर है तो उसको हम बिजनेस इंश्योरेंस में वो टैक्स बचा सकते हैं अपना 25% का, तो उसकी कॉस्टिंग और कम हो जाएगी। तो 1.25% में हम उसको वो एसेट क्रिएट करके दे सकते हैं जो उसने पूरी जिंदगी में क्रिएट किया है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स हाउ वी कैन एक्चुअली हैंडल एन HNI कस्टमर इमीजिएटली अगर कम टाइम है हमारे पास। तो दैट इज व्हाट। बहुत बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ललित भाई, आपने एक अच्छा वैल्यू एडिशन करा, और पुनीत जी शायद ये आपको हेल्प करें आगे। मेरा अब संजीव पुरी सर एक जी। सवाल भी है, अच्छा मेरा एक सवाल भी है, बट अगर शायद उसमें अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं अतुल सर से दोबारा ऑफलाइन पूछ लूंगा। मैंने एक रिटायर एंजॉय करी थी, पहले मैं काफी करता था वो, तो वो कस्टमर आज की तारीख में बहुत नाराज है मुझसे। 6-7 साल हो गए हैं क्योंकि उसको समझ में आ गया कि यील्ड कुछ भी नहीं है और इतना लंबा टाइम उसको वो देना है।
तो उसको उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज वो वही बोल रहा है कि आपने ये बोला था कि मेरे को इतनी पेंशन मिलेगी बट मेरे को आगे इतने टाइम तक ये देना पड़ेगा। तो उसको कैसे कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे कई सारे लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है उससे। तो अगर तो किसी ने जो रिटायर्ड एंजॉय तो बहुत ही बढ़िया प्लान था सर, आज भी बढ़िया है उसमें कोई मतलब, आपने जिस आपने उनको यही बोलना है कि सर मैंने आपको यही बोला था ना कि आपको 16-17 साल पैसे देने, यही तो बोला था 16, उसके बाद के जो प्रीमियम है आपके जो अमाउंट आएंगे उसमें से जाएंगे, ये बात हमने, ये रिटायर्ड एंजॉय का सबसे बड़ा कंसेप्ट ये था कि जब हमारी प्रेजेंटेशन निकलती थी डाटा कॉम के अंदर, उसके अंदर लिखा आता था कि रिटर्न फॉर्म LIC गिवन टू LIC, उसके बाद नेट आती थी पेंशन, हमने जब उनको पेंशन दी होगी, पेंशन समझाई होगी, तो हमने नेट अमाउंट, जो अमाउंट बचेगा उसी के ऊपर समझाई होगी ना सर मेरे हिसाब से, और वो एक कंसिस्टेंटली एक एक ही अमाउंट के आसपास आता रहता है, ठीक ट्रू, है ना। बट उसको ये है कि कुछ प्रीमियम तो उसका बहुत लंबा तक चलेगा, तो क्योंकि 75-80 सर ईयर्स तक। आपको उसमें आपको जो प्रीमियम जाएगा आएगा उसके अंदर से आएगा, क्योंकि सर आप यू आर फॉर्चुनेट कि आपको बड़ी एज के ऊपर भी रिस्क कवर मिल रहा है, आपको आपके पास उसको आपको ये समझाना है ना सर, आपको उस टाइम पे भी आपको उस टाइम पे भी रिटर्न आपको वो मिल रहा है, रिस्क कवर मिल रहा है, जिस जिस टाइम पे आपकी एज काफी हायर सेगमेंट, उस टाइम पे आप जितना रिटर्न, मतलब एक आदमी को हमने 45 साल पे 45 साल पे 15 साल की PPT दी, और 15 साल से अगले 15 साल और चल रहे हैं, 75 साल चल रहे हैं, राइट, ऐसा रहा, राइट, ऐसा हमने कुछ दिया होगा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले के टाइम पे दिया होगा, आप समझिए ना, 15 साल के बाद बंदा जब 60 साल का हो गया, 60 साल पे उसका पेमेंट अपने पास से उसको देना बंद हुआ, LIC से जो कमीशन आएगी, मैच्योरिटीज आएंगी, उनमें से उसका वो जाएगा प्रीमियम वो जाएगा, ऑफसेट हो तो जाएगा, ऑफसेट बट हो उसको जाएगा, तो 61 साल के बाद से उसको रिस्क कवर भी तो चल रहा है उसका, यदि मान लिया 65 साल पे समथिंग गोज रॉन्ग, 67 साल पे समथिंग गोज रॉन्ग, 70 साल पे समथिंग गोज रॉन्ग, तो एक बड़ा अमाउंट फैमिली के पास आएगा, नहीं आएगा उसके अंदर, तो उनको उसको समझाओ एक्चुअली सर ना आपकी। हाँ जी, म्यूचुअल फंड में उसको काफी अच्छे रिटर्न नजर आए, और उसने देखा कि मेरे को इसमें कुछ नहीं मिल रहा, रिस्क कवर में इतना तो सर इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो मैं उनको चला फिर ये गया। बोल रहा हूँ सर म्यूचुअल फंड में क्यों जा रहे हो, फिर तो स्पेकुलेशंस में और शेयर मार्केट के अंदर, फिर बिटकॉइन बहुत सारी, और यदि आपको ज्यादा रिटर्न्स लेनी है तो फिर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सर, फिर आपने कहाँ पे ये म्यूचुअल फंड में क्यों लगा रखा है सर, आपका पर्पज क्या है सर, ये तो पूछो ना उनसे, ये सर जिस दिन हम मिले थे हमारा डिस्कशन था रिटायरमेंट का, ठीक है, आज आप मेरे से म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, ये कोई लॉजिक नहीं बनता ना सर, कल को तो आपको कल को क्रिप्टो करेंसी की बात करने लगोगे सर, वो यदि बाय चांस अभी बिटकॉइन के रेट्स बढ़े थे घटे थे जो कुछ भी हुआ, तो इनके सर ऐसे तो कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक राइट, है ना, तो ऐसे तो उनको बोलना सर देखो ये ना हमने जो डिस्कशन करा था, आप भी मेच्योर हैं और मैं भी मेच्योर हूँ सर, हमने ना बहुत वाइजली डिसीजन लिया था, और आई कैन रेस्ट एश्योर यू, आई कैन रेस्ट एश्योर यू कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान वी हैव ऑफर टू यू, एंड यू हैव टेकन ए वन ऑफ द बेस्ट प्लान, अपने को ये एश्योरेंस देना पड़ेगा उसको, पहले आपको कन्विंस होना पड़ेगा फिर उसको कन्विंस कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ थैंक हाँ जी सर, यू, थैंक थैंक यू। संजीव पुरी जी, संजीव पुरी जी का सवाल ले लेते हैं सर, उसके बाद फिर हम एग्जिट लेंगे, पर आज का सेशन कंप्लीट करेंगे सर, मैं अभिषेक सर जी आप तैयार रहना वोट ऑफ थैंक्स के लिए इसके अब बाद। मैं सवाल सवाल वाली बात तो बाकी करूँ, बड़ी बात ये कि मेरे पास जो बात करते करते मैंने कुछ दिन से एक कंसेप्ट पे काम करने की कोशिश करा था, काफी रिसर्च करा था, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड पार्टनरशिप इंश्योरेंस। एक ऐसा सेक्टर है जो पूरा नेग्लेक्टेड है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस को जब मेरे पास कंपनी से कुछ प्रेजेंटेशन लेके आए तो उन्होंने बताया कि पार्टनरशिप इंश्योरेंस में, पार्टनरशिप फर्म में जो पुरानी पार्टनरशिप चलती है, अगर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर अगर एक्सपायर हो जाता है तो फर्म को आपको लिक्विडेट ही करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, और वो जो पेमेंट होती है जो उनके होता है वो अकाउंट इसी टाइम क्लोज हो जाता है, और वो लाइबिलिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस से आपको वो लोन बन जाता है, लोन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है उतनी, जब तक उसको आप पे ऑफ नहीं करते पार्टनर को, दैट मीन्स फर्म क्लोजेस। इस केस में हम लोग पार्टनरशिप इंश्योरेंस को बहुत अच्छे ढंग से पुश कर सकते हैं, और मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ, मेरी आज भी दो मीटिंग है, और मैंने अपने आप को जो कहा ना बैक टू बेसिक कर लेता हूँ, धंधा जब बिजनेस मंदा होता है ना बिजनेस बैक टू बेसिक कर लेता हूँ, और उसमें एक बहुत अच्छी बुक है फ्रैंक बैडकर की, हाउ आई रेज माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस इन सेलिंग। सर पूरा अकाउंटेबिलिटी आप ही लोगों ने सिखाया है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तो मैं अपनी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट बनाता हूँ डेली की, कि मैंने कितनी कॉल करी, क्या करा, क्या वो रुपए, और वही मैं स्टाफ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एवरी 2 आवरली आपने क्या लिखा, एक सिस्टम एक बना दिया उसमें करते हैं वो स्टाफ, और वो सिस्टम में पुट करते हैं, वो मेरे को डायरेक्ट दीजिए, मैं सिस्टम में डायरेक्ट देखता हूँ, सारा स्टाफ हर 2 घंटे में डालेगा, यानी कि सुबह 9:30 से 11:30 एक लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, और 1:30 बजे का लंच है, लंच बाद में करोगे, पहले करोगे, 2 से 4, 4 से 6 जाने से पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती सबकी, जाने से पहले आप लिख के जाओ क्या करा है, और वो मेरे को अपने डेस्कटॉप पे दिखता है, मुझे किसी से ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ, एंड इट इज वर्किंग वेल, इट इज वर्किंग वेल, बट बहुत कॉर्पोरेट एक पार्टनरशिप इंश्योरेंस में हमें सबको काम करना चाहिए।
बहुत 2.5 से। हाँ बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा रहा आप आज का सेशन। मेरे ख्याल से हम लोगों ने, हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, और जो जो आपका साहू साहब, आपका डिजिटल हैंड रेज रह गया, कोई बात नहीं, आप मेरे को 1-to-1 कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आगे की जो जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि समय का हमें सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आई एम फॉर्चुनेट, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आप लोगों ने अपनी आपने अपनी इनपुट से मेरे को भी उससे फायदा होने वाला है, क्योंकि यदि मैं आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाया हूँ तो जितना फायदा आप लोगों को होता है उतना उससे ज्यादा फायदा मेरा होता है हमेशा, क्योंकि जब जब मैं आप लोगों की बातें सुनता हूँ तो नई नई चीजें मुझे भी पता लगती हैं। और आप लोगों ने पेशेंस ली, आज इतने सुबह 8 बजे आकर के ज्वाइन किया, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू, ग्रेट सेशन एज यूजुअल। आप हमेशा दिल से बात करते हैं और देने की हमेशा प्रयास रहता है। अब मैं अभिषेक राम गोयल जी से रिक्वेस्ट जयंक करूंगा। साहब नमस्कार, मैं यहीं पर ही हूँ और वेट कर रहा हूँ, और अतुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट में लूंगा। पुनीत जैन की एक क्वारी थी कि जो वो 50 लाख के प्रीमियम की बात बता रहे थे, तो वो आज 10-11 बजे अतुल भाई और मेरे साथ एक जूम कॉल रख लेंगे, और ये हमारा उनसे वादा, उनके 50 लाख आ जाएंगे, जैसे अतुल भाई ने कहा है कि वो आदमी जब अरे नेक्स्ट टाइम यार इंटर। हमें भी बताओ यार, नहीं, उनका पूरा, उसके लिए उनके कुछ और है बात जो हम उनको बताएंगे, फिर आपको भी बता देंगे, उनके 50 लाख आ जाएंगे, ये अतुल जी की तरफ से मेरा उनको वादा है। दूसरे भाई जो पुणे वाले हैं, उसके लिए अतुल भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप ऑफिस के बाहर जाइए, रिटायरमेंट लगाइए, उनको सिर्फ एक ही काम करना है कि एक स्टैंडी अपनी वहां पे लगा दें और वहां पे सिर्फ यह लिख दें, यहाँ पर गवर्नमेंट पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत ऐसी कोई बात अपने आप सामने से अगर कोई आता है तो रजिस्ट्रेशन कराएगा तो अतुल भाई उसको आगे के स्टेप बताएं कि वो रात को उसको बताएंगे क्या चीज है। तो ये आइडिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा अतुल भाई का, कि ऑफिस के बाहर कहीं पर एक सुंदर सी स्टैंडी लगाकर वहां पर एक इंटेलिजेंट आदमी को खड़ा करके, क्योंकि पूना में हर तरीके के लोग अवेलेबल हैं, सिर्फ गवर्नमेंट पेंशन के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए बस। उसके बाद ये बात पूछ लेंगे कि लीगली हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मतलब वर्ड मुझे प्रॉपर नहीं पता, अतुल भाई बता देंगे। रिटायर एंड एंजॉय वाले भाई के लिए मैं आप बता दूं कि 100 से ज्यादा पॉलिसीज मैंने रिटायर एंड एंजॉय की भेजी बेची हुई हैं आज की डेट में, 100 से ज्यादा, मैंने शायद 150 से ज्यादा होंगी, मैंने खूब रिटायर एंड एंजॉय बेची है। मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम आई, लेकिन उसमें भी हम 1-to-1 कर लेंगे बाद में कि उसमें क्या सोल्यूशन आ रहा है, और बहुत ही अच्छी चीज है। और अतुल भाई का 24/7 अवेलेबल रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परसों इन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया मेरे काम के लिए, मेरे संग डिस्कशन करा, मुझे लंच कराया, और मतलब इतना ये हमारे लिए अवेलेबल है। और पुनीत भाई को थोड़ी तकलीफ हो रही थी कि क्या बात हो रही है, तो पुनीत भाई का भी नंबर आएगा अभी 1-1.5 घंटे के बाद, उनको भी बुलाया जाएगा। अतुल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।